मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने में लगी हैं, लेकिन बार बार कई रोड़े सामने आ रहे हैं। इनमें से एक रोड़ा है, महागठबंधन का नाम क्या होगा। खबर आई कि नए गठबंधन का नाम पीडीए होगा, यानी देशभक्त डेमोक्रेटिक अलायंस। और इस नाम की चर्चा शुरू की सीपीआई ने। सीपीआई की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि नए गठबंधन का नाम पीडीए होगा और शिमला में होने वाली बैठक में इस पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये खबर सामने आई, कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आई। जब यूपीए है तो पीडीए का क्या मतलब है? फिर क्या था, सीपीआई ने तुरंत यू टर्न लिया और सीपीआई के महासचिव डी राजा ने एबीपी से बात करते हुए बताया कि नाम अभी तय नहीं किया गया है। इसके बाद से हमारे संवाददाता ने पूछा कि जब नाम तय नहीं है तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति में ये क्यों लिखा गया कि गठबंधन का नाम पीडीए होगा। इस पर उन्होंने कहा कि किसी ने लिख दिया होगा। आइए आपको डी राजा का पूरा बयान सुनवाते हैं। सर, पटना में जो मीटिंग हुई, अब आगे किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो आगे साथ आने वाली है, और खासतौर पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कंप्लेन कर रही है कांग्रेस को लेकर के, कैसे रास्ता निकाला जाएगा? यू विल हैव टू आस्क आम आदमी पार्टी, बट इन द मीटिंग इट हैज बीन अग्रीड ऑल ऑफ अस शुड स्ट्रेंथन आवर यूनिटी, वर्क टूगेदर, फाइट टूगेदर। द सिचुएशन डिमांड्स that BJP has to be removed from power. This is the strong resolve that emerged in the meeting. In the course of time, when we meet again, then we will discuss other issues, concrete issues. Sir, kya opposition alliance ka naam PDA hoga? No, that some people are mentioning patriotic. Ahi statement hai Patna mein. No. Yeah. Some people have referred that has been referred, but as far as we are concerned, we are saying all secular democratic parties must come together, work together, fight together. What is the name of the alliance? That too was in course of time only. Shimla. Shimla, I don't know whether it will be possible or not, but in course of time, all such things will be discussed. So you are rejecting the press release that was issued? They must have done it on their own. तो कुल मिलाकर जैसे पीडीए की हवा उड़ाई गई, ठीक कुछ देर बाद उसी पार्टी के महासचिव ने इसका खंडन कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या इन नाम से कांग्रेस को एतराज था, इसलिए सीपीआई पीछे हटी, या फिर बात कुछ और? खैर, इस नए गठबंधन का नाम क्या होगा? यूपीए होगा, महागठबंधन होगा या कुछ और? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए।